सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वैकेंसी, एक नया नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर हम आपके लिए डेली लेके आते हैं एक जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब की एक डिटेल। तो फ्रेंड, इसी बार एक और एक नई वैकेंसी आ रखी जो है GMVC रिक्रूटमेंट, जो आपके 482 पोस्टों के ऊपर जा रखा है। और जी हाँ फ्रेंड, उन्होंने निकाल रखा है सैनिटेशन वर्कर। आप फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा जो हमारे कचरे के जैसे होते हैं सैनिटेशन करने के लिए होता है, उसमें कुछ वर्कर्स होते हैं। जैसे क्रेन आती है, आपने देखा होगा क्रेन के साथ उसका सामान लेके आना, उसमें यहाँ पे पलटना, पूरे हर चीज़ के बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से देखना कि कोई कचरा बाहर तो नहीं गिरा, उसको अंदर करना। तो फ्रेंड्स, ये सारी इसके ये वर्कर रहेंगे, इनके सारे टास्क रहने वाले हैं। और ये फ्रेंड, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने 12वीं क्लास मांग रखी है। तो फ्रेंड्स, ये 12वीं के साथ एक इन्होंने बिल्कुल एक GMVC रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जारी की, जिसकी लास्ट डेट आपकी 9 दिसंबर रहने वाली है। जॉब लोकेशन रहेगा आपका विशाखापट्टनम। फ्रेंड, विशाखापट्टनम, एक्चुअली ये नहीं है कि विशाखापट्टनम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपके घर पर आता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज निकलती वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की होती है, हम इसमें कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड, बस आपके कुछ कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड, जैसे GVMC क्या था, वो था ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जो ग्रेटर मीन्स वह विशाखापट्टनम का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है, जिसके अंदर 482 पोस्टों के ऊपर है, जो आपकी 2 दिसंबर से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 9 दिसंबर रहने वाली है। फ्रेंड, ऑफलाइन वैकेंसी है और ये आपकी विशाखापट्टनम के अंदर ही रहेगी। फ्रेंड, दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि विशाखापट्टनम वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, हम अब इस वीडियो के अंदर देखना चाहेंगे क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज डिटेल्स है, क्या एप्लीकेशन फीस है, सैलरी क्या रहती है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और फाइनली आपको उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड, हम सबको एक बहुत ही बारीकी से देख लेते हैं और उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले वही आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो है फ्रेंड्स अपना गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी यूट्यूब का बिल्कुल वेबसाइट चैनल, जिसपे आप देख सकते हैं पूरी लेटेस्ट वैकेंसीज आ रखी हैं। जो आपका GMVC रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट जो बिल्कुल सर्च कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के नियर, तो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा। जैसे सैनिटेशन वर्कर की वैकेंसी निकाल रखी, आपको ऑफलाइन अप्लाई करनी है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की ओनली 12th पास है, या आपने से कोई भी आप इक्विवेलेंट आपने एजुकेशन कर रखी हो। एज डिटेल आप देख सकते हो 18 से 42 साल का आपका एज डिटेल रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस, आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं करनी, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। सैलरी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो मंथली जो सैलरी है 15,000 आपको सैलरी मिलेगी और आपका हेल्थ का अलाउंस आपको 6,000 मिलने वाला है। तो कुल मिला के 21 से 22,000 रुपये की सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड, इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस इतना नहीं, आपका ओनली डॉक्यूमेंट देखेंगे, थोड़ा सा आपका फिजिकली फिटनेस चेक की जाएगी और सर्टिफिकेट, और आपका एक इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो आपको अप्लाई कैसे करना होगा, ऑफलाइन अप्लाई करना है, और आपका जो पोस्टल वेन्यू आपको किस पे भेजेंगे फ्रेंड, आप इसके ऊपर भेजना पड़ेगा। 3NT विश्वनाथा बिल्डिंग, रूम नंबर 216, 7NT डिपार्टमेंट, ग्रेटर विशाखा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विशाखापट्टनम। अब फ्रेंड, इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे को ये कहता क्या है। तो फ्रेंड, जैसे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा, आप फ्रेंड देख सकते हैं इनका ऑफिशियल बिल्कुल इनका लैंग्वेज के अंदर है, जिसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ आपको बता रखी। आप इसको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं, भर के इसको ओनली आपको ऑफलाइन भेजना होगा। फ्रेंड, अगर आप बिल्कुल यही अगेन की लैंग्वेज समझ सकते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्रेंड आपको 21,000 रुपये सैलरी इसके अंदर मिलने वाली, जो मैंने आपके सारे डिस्कस किया। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको ये विशाखापट्टनम की जॉब की डिटेल आपको समझ में आई होगी, और फ्रेंड जो हमारे जो यूजर्स हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, वो इसको इजीली अप्लाई करके भर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि इस वीडियो के साथ अगर आपको और भी अपनी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फ्रेंड इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम पे अपने लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड आपको इसके वेबसाइट्स के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं, आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी और उसे ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेट। उसी तरह 10th पास और 12th पास की जॉब मिलने वाली, आप देख सकते हैं इसमें सारी लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, जहां आपको मिलेगी डेली नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट और हर बार आपको एक नई जानकारी। तो फ्रेंड, इस बार हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी उपस्थित होती है। तब तक टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।